हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है ताज नगरी दिल से। तो चलिए आज हम बनाते हैं घर में खास्ता बिस्किट, जो हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं वो आप घर पर भी बना सकती हैं बहुत आसानी से, इजली से। आप चाहे तो मैदे से बना लें या फिर आप आटे से बनाएं, आटे का बना हुआ ज़्यादा हेल्दी होती है। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 2 बाउल आटा, 1 बाउल, ये हमारा सेकेंड बाउल है। आप चाहे तो आप चीनी मिल्क में मिक्स कर कर भी ऐड कर सकती हैं, या फिर आप चाहे तो आप शुगर पाउडर भी डाल सकती हैं, जो कि आप मिक्सी में पीस लें। और मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून, ये हमारा सौंफ, ये कूटा हुआ है खाने वाला सौंफ है। आप चाहे तो इसके जगह पे इलायची भी डाल सकती हैं, पर मुझे सौंफ का सुगंध बहुत अच्छी लगती है। और मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो चीनी को मिल्क में भी मिक्स करके डाल सकती हैं या पानी में। मैं इस पाउडर डाल रही हूँ, तो हम इन सभी को मिक्स कर लेंगे आटे के साथ अच्छे से। और इसमें हम डाल देंगे 2 स्पून घी, या आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकती हैं, रिफाइंड ऑयल, पर मैं इसमें घी डालूंगी। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड करूंगी, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकती हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, पूरे आटे में अच्छे तरह से मिक्स कर लें ताकि ये खस्ता बने। तो देखिए, घी को मैंने अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 स्पून कोकोनट पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना नहीं भी डाल सकती हैं। अब इसे हम मिक्स कर दूध के साथ इसे गूंद लेंगे, एक डो तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट तैयार करना है। आप गरी का पाउडर चाहे तो डालें वरना ना भी डालें। अब इसे हम डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम लोई तैयार कर लेंगे, और स्पून की हेल्प से हम डिजाइन दे सकते हैं। स्पून की हेल्प से आप जिस तरह के चाहे उस तरह के डिजाइन दे सकती हैं। मैंने कुछ कुकीज में डिजाइन दे रखे हैं पहले से ही। ये मैंने गुड्डे बिस्किट की डिजाइन दे रखी है, इसे कुछ इस तरह से ही मैंने अलग अलग डिज़ाइन दे रखी हैं। आपको जो पसंद आती है आप उस तरह से डिज़ाइन बना सकती हैं। तब इसे हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में। मैंने कढ़ाई गर्म होने को रख दी है, हमारा ऑयल गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम अपनी कुकीज़ को धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर देंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में करनी है ताकि ये अंदर तक पक जाए। कुकीज़ बनकर गोल्डन कलर में आ चुकी है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए माय फ्रेंड्स, हमारी कुकीज़ बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा कुकीज़ पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारी कमेंट्स करें। मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में जो पहला थॉट आता है आप ज़रूर मुझे कमेंट्स कर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कर लें। सो थैंक यू।